और अब बात रामलीला की करते हैं। लखनऊ में चौक की रामलीला सबसे लोकप्रिय रामलीला में से एक है और इसकी शुरुआत दशहरा के दिन होती है। लेकिन इस रामलीला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी हथियार और आभूषण चांदी के बने होते हैं। इस रामलीला का इतिहास करीब 90 साल पुराना है। भगवान राम का धनुष, बजरंग बली की गदा, मुकुट, आभूषण और खड़ाऊ। लखनऊ में चौक की मशहूर रामलीला को ये चांदी के अस्त्र और आभूषण वर्षों से सजाते आ रहे हैं। चांदी से बनी 5 किलो की इस गदा को उठाकर हनुमान जी खूब तालियां बटोरते हैं। लखनऊ में 1937 से चल रही चौक की रामलीला में हर साल इसी गदा का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान राम, लक्ष्मण के धनुष और मुकुट, सब कुछ चांदी का बना हुआ है। रामलीला से जुड़े चांदी के इन अस्त्र शस्त्र का इतिहास करीब 90 साल पुराना है। चौक की जो रामलीला है ये खुनखुन जी परिवार के द्वारा शुरू की गई थी 1937 में और वो यूपी के एक बहुत बड़े ज्वेलर्स थे, तो उन्होंने जब रामलीला शुरू करी और उसके बाद अस्त्र शस्त्र उन्होंने और अपने जो उनके साथी लोग थे सराफे के कारोबार में, उन्होंने चांदी के अस्त्र शस्त्र, मुकुट, धनुष, तीर, तलवार सब बनवाए और वो आज तक के कुछ ऐसे उसमें से आभूषण वगैरह हैं जो आज तक चल रहे हैं। आभूषण है लेकिन अस्त्र शस्त्र भी है। हम यहाँ तीर धनुष देख रहे हैं। आपके हाथ में जो गदा है ये हनुमान जी की गदा है, कितनी पुरानी? ये गदा मेरी उम्र से पहले की है। मेरी उम्र इस समय 60 साल है और मैं समझता हूँ 65 से 66-67 साल पुरानी ये गदा है और इसको हमेशा से हनुमान जी जो लक्ष्मण शक्ति के अभिनय के लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं वो इस गदा को लेकर के जाते हैं और ये गदा का हमारी रामलीला में बहुत विशेष महत्व है। इसको लोग हनुमान जी की गदा है लेकिन हनुमान जी की ही भांति इसका पूजन अर्चन करते हैं और इसको पूजा जाता है। दशहरे के दिन होने वाली इस रामलीला के इन अस्त्र और आभूषणों को तैयार किया जा रहा है। ये गहने और अस्त्र अब रामलीला का मंचन करने वालों की धरोहर बन चुके हैं। 60 के दशक में रामलीला के दौरान छपी स्मारिका अब नई पीढ़ी को इस विरासत को आगे ले जाने की प्रेरणा दे रही है। जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये इसमें सब जिसने जिसने जो चंदा दिया, जो जो इसमें कार्य करने वाले थे, कार्यकारिणी के लोग, सब इसमें डिटेल मिल जाएगी और पुराने लोगों का नाम देखने में हम लोग बड़ा खुशी होती है कि हम लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं, रामलीला परिवार से, कि हम लोग सब एक साथ और हमारा परिवार तो इसमें रोल भी अदा कर चुका है सारे परिवार के लोग। तो नाम है उनका आप यही? हाँ, मैं देख रहा था कि हमारे पिताजी का नाम इसमें कैसे में नाम कैसे है और लोगों का नाम कैसे है। तो इसमें सबसे बड़ी खुशी मिलती है कि इस रामलीला में कोई पेड वर्कर नहीं होते, ज्यादातर सब जितने कलाकार होते हैं सब स्वेच्छा से कार्य करते हैं। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि जब हम इन अस्त्रों को साफ अप करते हैं तो हमको लगता है, मेरे हम लोग के मन में फीलिंग आती है कि ये भगवान का शस्त्र है और इसको इसको कायदे से शिद्दत से करने के लिए हम लोग या राजकुमार जी महामंत्री हैं, इनके घर आवास पे इकट्ठा होते हैं और यहीं से हम लोगों को मन में प्रेरणा आती है कि एक महीने कोई काम नहीं होगा, हम लोग इस रामलीला के लिए पूरी तरीके से, ये 89 ईयर्स का रामलीला पुरानी हुआ है और हम लोग इसी में काम लगे। चौक की रामलीला देखने आए दर्शकों की नजरें इन गहनों और शस्त्र पर जरूर पड़ती है। चांदी का बना होने की वजह से इन अस्त्र और आभूषण को सुरक्षा के लिहाज से लॉकर में रखा जाता है, लेकिन चांदी की कीमत से ज्यादा इनसे जुड़ा गौरवशाली इतिहास इन आभूषणों को बेशकीमती बना देता है। तो ये वो चीजें हैं जो रामलीला के पात्र धारण करते हैं और उनको लेकर के जो तैयारी है वो यहाँ पर होती है। हर बार रामलीला से पहले दशहरे के दिन ये रामलीला यहाँ पर शुरू होती है और उससे पहले इनको सजाने का, संवारने का, साफ करने का जो काम है वो होता है। ठीक उसी तरह जैसे किसी धरोहर को संरक्षित किया जाता है वैसे ही चौक की रामलीला के लिए जो साल दर साल होती रही है और उसमें यही आभूषण और यही अस्त्र शस्त्र प्रयुक्त होते हैं उनको लेकर के भी तैयारी होती है।